الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيده ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حاضرین محترم علماء محتشم دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ارباب نسبت ارباب ذوق میں آج بڑی مدت کے بعد واقعی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہاں میں مشاعروں میں آتا رہا مولانا عبد المجید صاحب چشتی یہاں تشریف فرما ہیں یہ میرے پرانے کرم فرماؤں میں ہیں اور محبت والوں میں صاحبزادہ منظور کونین صاحب سے لہن آواز اور نعت اور شعر و ادب کے حوالے سے پرانا رشتہ ہے اور بہت دنیا ہے یہاں بہت لوگ ہیں سب کی محبت اور نسبت کا مجھے احترام ہے لیکن پرانے لوگوں کو یاد رکھنا یہ نئے لوگوں کا کام نہیں ہے یہ نئی روشنیوں کا کام نہیں ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے جو پرانی نسبتوں کا لحاظ رکھنا جانتے ہیں مولانا غنی کاشمیری نے ایک شعر کہا تھا گر شبیر واصل بمنزل مقصلر پس ماندہ گاہ در طریقے ہم نشینی در طریقے ہم روی پہلے نشینے زیادہ بات اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو منزل پر پہنچ گیا ہے توجہ ہو جاتا اگر تو منزل پر پہنچ گیا ہے گھر سے چلا ہے منزل کی طرف روانہ ہوا ہے تو منزل اور گھر کے درمیان جتنے مراحل تو نے طے کیے ہیں جن جن لوگوں سے ملا ہے جن جن راستوں سے گزرا ہے جو جو مناظر تو نے دیکھے ہیں جو جو جن جن حالات کا تو نے سامنا کیا ہے
मंजिल पर पहुंचकर उन सारे घर तक जितने मराहिल है उन चीजों को उनसे ताल्लुक न तोड़ना, उनको याद रखना। उसकी दलील मौलाना गनीमत ने दी, गनी ने, कि दर तरीके हम नशी हम रवि पहलू नशीने ज्यादा पा के दोस्ती और मजबूत रहने के हवाले से तू रास्ते का तरीका इख्तियार किया। फारसी हम लोग नहीं जानते, इसलिए मैं जरा उसको फैलाना चाहता था कि आप लोग समझो। रास्ते की तरह अपनी आदत का नाम, रास्ता एक है मंजिल जहां से आप चले हैं किसी और मंजिल की तरफ, तो जितना रास्ता है चाहे 10,000 मील है, 10 मील है, 10 गज है, जितनी मसाफत है उस जमीन के का हर जर्रा दूसरे जर्रे से मिला हुआ है, हर जर्रा एक दूसरे से वाबस्ता है और वाबस्ता। इसलिए तो वो आपको घर से चलाता है और मंजिल तक पहुंचाता है। रात का आपस में बाहम रिश्ता न हो तो आप चल कैसे सकते हैं? तो वही रास्ता जो है वो मंजिल है, वही रास्ता इब्तिदा है, वही रास्ता इंतहा है, लेकिन जो आखिरी जर्रा है जिस मंजिल तक आपने पहुंचना है, आप पहुंच गए हैं वहां, उसका उस जर्रे से बलाए रात और बिन वास्ता वही ताल्लुक है कि जो जिस घर से आप चले थे 10,000 मील से चले थे उसका उस मंजिल के जर्रे से पैवस्ता और हमेशगी का रास्ता है, मजबूत है, जुड़े हुए। तो जाते की तरह, तो अगर मंजिल पर पहुंच गया है कोई तो उसको इब्तदाई मराहिल के लोगों से ताल्लुक रखना चाहिए। आखिर में कहा था शिया ने, हरीफे बसमे तो भूदम चुमाहे नव होती, मैं तेरी महफिल में उस वक्त का बैठने वाला हूं जब तू पहली का चांद था, छोटा सा था। चिश्ती साहब ने वो दौर मेरा सारा देखा के हरीफे बजमे तो बूदम जो माहे नौ पूरी कुनू के माहे तमामी नजर दरे मदा। अब जबकि अल्लाह ने तुझे चौधरी का चांद बनाया है, हरीफे बजमे तो भूदम जो माहे नौ होती कुनू के माहे तमामी नजर करे तो मदा। ये तो खैर एक तमहीदी कुछ कलिमात थे। अब मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, शरफ हासिल किया है हजरात, मैं कोई ये हाफिज शकील साहब मेरे साथ तशरीफ लाए हैं, माशाल्लाह आलम फाजिल हैं, वहां लंदन में रहते हैं, हमारे यहां कुरान सुना रहे हैं दरगाह में। तो इनसे मैं कह रहा था कि मैंने कोई तैयारी नहीं की बोलने के लिए, लोग तो खतीब तो बड़ी तैयारी करते हैं, तो मैं अल्लाह के सामने बैठ जाता हूं, अर्ज करता हूं मालिक जो मुझसे बुलवाना है उनको ठीक अदा करना है, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता मुतालिया के लिए, करता हूं मुतालिया लेकिन चेहरों के मुतालिया तो इसलिए मैंने जो अभी आयत आपके सामने तिलावत की है अभी बैठे बैठे, ये अभी ख्याल आया कि मैं यही पेश करूंगा और इस पर जो अल्लाह ने तौफीक दी दरवाजा जो जो खुलता जाएगा आपका गौ साथ देगा तो फिर बात बन भी जाएगी।